स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर अमरोहा के पत्रकारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की दबंगों द्वारा हत्या को लेकर जनपद अमरोहा के वरिष्ठ पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल ने कहा कि गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से पहले भी पत्रकारों पर हमले व फर्जी मुकदमे होते आ रहे हैं, जबकि पत्रकार सच्चाई को सबके सामने लाता है, फिर भी सरकार व पुलिस का व्यवहार पत्रकार के हित में नहीं रहता। अमरोहा के सभी पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित पत्र लिखकर जिलाधिकारी को सौंपते हुए ये मांग की है कि स्वर्गीय पत्रकार विक्रम जोशी के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए और 50 लाख रुपए के मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। ज्ञापन देने में मौजूद रहे वरिष्ठ पत्रकार विनीत अग्रवाल, तारिक अजीम, मोहम्मद माजिद, सरबजीत सिंह, सोहेल अहमद खान, सलाउद्दीन, प्रबल प्रभाकर चौधरी, महेंद्र सिंह आदि। बताइए, जो आप आज लोग सब पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मकसद है पत्रकारों की हिफाजत करना। पत्रकारों में रोज इस वजह से है क्योंकि आए दिन उनके पत्रकार साथियों को थाने में, चौकी पे और जगह जगह उत्पीड़ित किया जा रहा है। अब कल ही की घटना ले लीजिए, गाजियाबाद में एक पत्रकार साथी की सिर्फ इतनी ही तो शिकायत थी कि उसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ होनी थी और उसको रोकना था, लेकिन पुलिस ने उसमें टालमटोल किया। पत्रकार थाने के चक्कर लगाता रहा और बदमाश पत्रकार की भांजी के चक्कर लगाते रहे। इसी वजह से सिर्फ शिकायत को लेके एक पत्रकार की हत्या कर दी जाएगी और सारा अमला इसी तरीके से अपने एसी रूम में बैठा रहेगा। तो पत्रकारों की भी एक अपना परिवार होता है, अगर आप उनकी हिफाजत देने में सक्षम नहीं है तो साफ मना कर दीजिए कि पत्रकारों की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जो सबसे उत्पीड़ित तबका है तो वो पत्रकारों का ही तबका है। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर पूरे समाज का जो चौथा खंभा है ये भर भरा कर गिर जाएगा। पत्रकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती, होना क्या है? आखिर क्या संदेश देना चाहती है सरकार? एक तरफ सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो जब तक पत्रकारों को आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप किसी का भी विकास नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकार आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है उस संबंध में दिया ना जी, पत्रकार की हत्या गाजियाबाद में जो उनकी भांजी को जो लेके जो छेड़छाड़ हो रही है ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? देखिए, जो ये गाजियाबाद में घटना हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है और ऐसी घटनाएं जो हैं वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं। लेकिन जो पत्रकार है, जो पत्रकारिता का पेशा है, जो समाज के हर तबके की खबर को सामने लाता है, समाज की हर बात को सामने लाता है, उसी पत्रकार के साथ अगर ऐसा होने लगेगा जैसा कि हुआ, इससे पहले भी और घटनाएँ हुई हैं, कोई नई बात नहीं है। समाजवादी गवर्नमेंट हो, बसपा गवर्नमेंट हो, कांग्रेस सरकार हो या फिर बीजेपी सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, पत्रकार किसी सरकार का बिकावा नहीं होता। लेकिन पत्रकार की जो जात है उसके साथ जो ये होता है हर सरकारों में, इसके लिए समय समय पर हम लोग आंदोलन करते आए हैं और जाना मुद्दे उठाते आए हैं और इस सरकार में भी जो हुआ है इसके लिए हम लोग एक पत्रकार होने के नाते अपने पत्रकार साथी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, साथ ही सरकार से ये मुआवजा कर रहा है कि जिस तरीके से एक शहीद का दर्जा देकर के लोगों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाता है, ऐसे ही एक पत्रकार जो अभी दिवंगत आत्मा हुए हैं इनको, विक्रम जोशी जी को भी क्या नाम है, सरकार को एक अच्छा खासा मुआवजे के रूप में रकम देनी चाहिए ताकि उस दिवंगत आत्मा के परिवार को जो है भरण पोषण के लिए कुछ मिल सके और एक सरकारी नौकरी अगर हो सके तो वो भी दी जानी चाहिए। ये मेरी अपनी मांग है और हम सबकी मांग है।